बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय ज़ाकिरुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 4 हमने पढ़ना है, और लेक्चर नंबर 4 का जो टॉपिक है हमारा वो है कूलम्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का समझने के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कूलम्स लॉ। हम कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कूलम जो था ये एक मिलिट्री इंजीनियर था, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, और इसने जो है 1874 में फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से प्रूव किया कि चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं वो फोर्स कितनी होती है। ठीक है, बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से उसने ये बात प्रूव की थी, क्योंकि उससे पहले जो आइडिया था, आप लोगों को अगर याद हो चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक, या लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था थैलस के बारे में, विलियम गिलबर्ट के बारे में, फ्रैंक लाइन के बारे में, कि उन्होंने जो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसके बारे में कंसेप्ट दिया था कि वहाँ उनके दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कितनी फोर्स एग्जिस्ट करती हैं ये बात उनको पता नहीं था। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए ये कूलम जो है इसने फिर एक्सपेरिमेंट किए हैं, और एक्सपेरिमेंट के जरिए से उसने वो फोर्स जो था वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है। ठीक है, तो इसकी जो मैथमेटिकल फाइंडिंग थी या मैथमेटिकल फार्मूला मालूम करना था उसको बेसिकली कूलम्स ला कहते हैं, और उसको डिफाइन ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। बच्चों, आप लोगों को याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था कि पॉइंट चार्ज क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें, उसने कहा है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, उन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को इनवर्स, उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये था कूलम्स का स्टेटमेंट। कूलम ने ये स्टेटमेंट दिया था, और ये स्टेटमेंट जो है उसने मैथमेटिकली दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ करके ये स्टेटमेंट उसने दी थी। अगर इन स्टेटमेंट्स को हम ऐसा करें कि मैथमेटिकली हम इसको फाइंड करना चाहें, जो उसने फार्मूला फाइंड किया था उसको हम फाइंड करना चाहें मैथमेटिकली, तो हम ऐसा करते हैं कि हम दो चार्जेस लेते हैं। मैं दो पॉइंट चार्जेस ले रहा हूँ, एक पॉइंट चार्ज है उसको फॉर एग्जांपल प्लस चार्ज है, मैंने उसको नाम दिया है Q1, अपनी तरफ से मैंने एक साइन इसको असाइन किया है Q1। दूसरा चार्ज है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज है, उसको मैंने दूसरा नाम दिया है Q2। और इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैंने R से रिप्लेस किया है। ठीक है, तो हमने कहा कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगी या अट्रैक्टिव फोर्स होगी, वो डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के नेचर पे कि चार्जेस किस तरह के हैं। अगर अपोजिट चार्जेस हैं जैसे कि यहाँ इस केस में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर सेम तरह के चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इन इस पिक्चर से इंफॉर्मेशन लेके, इस इंफॉर्मेशन को मैं अगर स्टेटमेंट ऑफ कूलम जो है उसके मुताबिक लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, देखें, नंबर फर्स्ट, फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उन दोनों की मैग्नीट्यूड को की प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स एफ, जो कि यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेटमेंट में कूलम्स कहता है। ठीक है, सेकेंड कूलम में, सेकेंड स्टेटमेंट में कूलम ये कहता है कि इस इन डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसको स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
डिस्टेंस के स्क्वायर को फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर मैंने यहां पे f इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, ये दो मेरे पास इक्वेशन आ जाते हैं, इन दो इक्वेशंस को मैं जब कंबाइन कर लूंगा तो मेरे पास फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर को। और याद रखे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा भी है, हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेस से भी, कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो या इनवर्स प्रोपोर्शनल हो, उस साइन को रिमूव करने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट यहाँ पे मेरे पास के हैं, ये कांस्टेंट बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स से प्रूफ आ जाता है ये कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ इस केस में हमारे पास कांस्टेंट जो है वो के है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है k इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वो k है। है क्या वो और किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट में उसको मेंशन किया है, डिपेंडेंसी ऑफ k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस जिनके दरमियान हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मैयर कर रहे हैं, उनके दरमियान जो है मीडियम कौन सा आपने रखा है, उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, के की वैल्यू लाजमी उस पे डिपेंड करता है। दूसरा जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड फॉर द मैयरमेंट्स, आप मेयरमेंट जो कर रहे हैं, फिजिक्स हमारा ऐसा फील्ड ऑफ साइंस है जिसको हम बार साइन डिफाइन करते वक्त ऐसा भी कहते हैं, इट इज द साइंस ऑफ मेयरमेंट्स। तो फिजिक्स की जो मेन कंसर्न है वो मेयरमेंट के साथ ही है, इसलिए उस मेयरमेंट्स के लिए हमारे पास यूनिट्स का होना जरूरी होता है। तो और सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास जरूरी होता है, तो k की जो वैल्यू है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हैं, CGS सिस्टम यूज कर रहे हैं, SI सिस्टम यूज कर रहे हैं, FPS सिस्टम यूज कर रहे हैं या MKS सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपने ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है पढ़ने हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज फॉर द मेजरमेंट, k की वैल्यू जो है वो इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं नंबर फर्स्ट जो पॉइंट है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, उसके मुताबिक मैं मीडियम दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस ले रहा हूं। ठीक है, एंड दूसरा जो पॉइंट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके मुताबिक मैं SI सिस्टम जो है वो मैं कंसिडर कर रहा हूं, कि मेरे पास दो चार्जेस के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों चार्जेस हैं, इनके दरमियान की जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, और इन चार्जेस और फोर्सेस को मालूम करने के लिए जो सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ वो SI सिस्टम है। देन अकॉर्डिंग टू दीज टू कंडीशंस, के की जो वैल्यू है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन जाती है के इज इक्वल टू 1/4 πε₀। ठीक है, जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट एक और पैरामीटर आ रहा है, उसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एप्सिलॉन नॉट जो है मेरे पास बराबर है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी कहलाती है, परमिटिविटी बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है, मीडियम जो भी हो उसकी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को रिड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है उस मीडियम की, जो मीडियम आप दो चार्जेस के दरमियान यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये उसकी परमिटिविटी है। तो यहाँ पे चूंकि मैंने फ्री स्पेस लिया है इसलिए मैं लिखता हूँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम ये e का सिंबल लिखते हैं, इसके साथ यहाँ पे नॉट लिखा है तो एप्सिलॉन नॉट इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, बाकी जो मीडियम है उनके परमिटिविटी को हम सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं, यहाँ पे ये नॉट नहीं लिखते। और SI सिस्टम में याद रखें इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 8.85 × 10⁻¹² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर के बराबर। पर न्यूटन का मतलब न्यूटन पावर माइनस वन, पर मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर पावर माइनस टू, और कूलम स्क्वायर यानी सी पावर टू जो है हमारे पास इसकी वैल्यू है। इसकी ये वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 1/4 πε₀ की जगह ये वैल्यू,
तो मेरे पास के जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मेरे पास के की ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू के की आ जाती है और ये जो वैल्यू है हमारे पास एसआई सिस्टम की, इनकी बुनियाद पे कूलम्स का जो फार्मूला है ये फॉर फ्री स्पेस हमारे पास बन जाता है F=1/4πε₀Q₁Q₂/r²। हमारे पास कूलम जो है ये फॉर्म इख्तियार कर लेता है जब हम 240 के दरमियान फ्री स्पेस को यूज कर रहे हों एज अ मीडियम, ठीक है बच्चों। तो आपको ये भी पता होगा कि फोर्स जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना लाजमी होता है। तो इंशाल्लाह वो जो हमारा टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक दो और पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, जो मीडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं इससे रिलेटेड, इंशाल्लाह उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।